भक्तों को उम्मीद थी कि मंगलवार से संकट मोचन मंदिर भी खुल जाएगा, मगर ऐसा नहीं हो सका। आप देख सकते हैं लोग मंदिर के बाहर से ही संकट मोचन भगवान का दर्शन पूजन कर रहे हैं। दुर्गा कुंड स्थित दुर्ग विनायक मंदिर में भी अभी प्रतिबंध लागू है, आम जनता के लिए मंदिर नहीं खोला गया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ सियासत निशान लगाए गए हैं। हमारे सामने मंदिर के प्रबंधक महोदय जी हैं गेट के अंदर। महाराज, क्या आपको प्रशासन ने कहा है और क्या अभी आप लोगों को और करने के लिए कहा है? प्रशासन की तरफ से आदेश आया है कि 12 मई है 24 लाइनों की, उसे उसको फॉलो करने के बाद ही कोई आदेश आएगा तभी खुलेगा। और विनायक मंदिर के साथ साथ दुर्गा मंदिर के लिए भी यही लोगों ने कहा है? सब मंदिरों का आदेश आया हुआ। आज जो 7 मंदिर खोले गए हैं उनमें सारी व्यवस्था उन लोगों ने मानी है कि सही है? अभी तो आज जितने मंदिर खुले हैं सुनने में आया है। हालांकि मंदिर में सारी वो उन गाइडलाइंस का पालन करने की व्यवस्था कर ली गई थी। घंटों को आप देख रहे हैं घेर दिया गया है ताकि कोई भी बजा ना सके। बावजूद इसके अभी विनायक मंदिर को खोलने की इजाज़त नहीं है। दुर्गा कुंड स्थित दुर्गा मंदिर में भी के दरवाजे भी फिलहाल भक्तों के लिए बंद हैं। हालांकि आप देख सकते हैं यहाँ भी मंदिर में पूरी तरह से तैयारी की जा चुकी है। जो जो दिशा निर्देश दिए गए हैं सबका पालन करने के लिए उस तरह से व्यवस्था की गई है। हर घंटी को कपड़ों से चुनरी से ढक दिया गया है ताकि कोई गलती से भी घंटी ना बजा सके, क्योंकि गाइडलाइन में मना है। और आमतौर पर माँ दुर्गा का दर्शन करने के बाद जब लोग परिक्रमा के लिए निकलते हैं तो सिंह का स्पर्श करते हुए आगे बढ़ते हैं, मगर सिंह को घेर दिया गया है कि लोग उधर से ना जा सके और परिक्रमा पर भी रोक है। बावजूद इसके अभी फिलहाल मंदिर को खोलने की इजाजत नहीं दी गई है। इस वक्त हमारे साथ दुर्गा मंदिर के महंत और व्यवस्थापक पंडित द्विवेदी जी हैं, कौशल पति द्विवेदी जी। महाराज, हम जानना चाहेंगे कि क्या क्या तैयारी की गई थी मंदिर की तरफ से? जो भी सरकार का गाइडलाइन मिला है हमको उसके अनुकूल हम पालन करने के लिए तैयारी में लगे हुए। और जो टीम आई थी देखने के लिए यहाँ तैयारियों का जायजा लेने के लिए, उसने क्या कमी बताई? नहीं, अभी कोई मतलब हमको फॉर्म मिला है अभी हमने उसको फिलअप नहीं किया क्योंकि हमारे यहाँ तैयारी नहीं थी। तैयारी हो रही है, जैसे आज हो जाएगा शाम तक तो फिलअप कर देंगे। और उसके बाद उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही माँ का मंदिर भक्तों के लिए खुल जाएगा। जो प्रशासन का निर्देश होगा उसके अनुकूल हमें पालन किया जाएगा। दुर्गा मंदिर के प्रवेश द्वार पर हाथ धोने के लिए मशीन लगाई गई है। जैसा कि आप देख सकते हैं घेरा भी बना हुआ है, मगर अभी भक्तों के लिए दरवाजा नहीं खुला है। हालांकि मंदिर के बाहर कुछ दुकानदारों ने उस उम्मीद से अपनी दुकानें लगा रखी थी कि आज से जैसे काशी के अन्य मंदिर खुलेंगे उसी तरह माँ दुर्गा का मंदिर भी खुलेगा, मगर अभी फिलहाल ऐसा नहीं हो सका है। और इनकी प्रतीक्षा अभी प्रतीक्षा ही है और ये प्रतीक्षा कब पूर्ण होगी इसका निर्णय जिला प्रशासन के संतुष्ट होने अथवा न होने पर ही तय करेगा। मंदिर के अंदर भी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए सारे प्रबंध किए गए थे। एक बार में अधिकतर 5 से 7 लोग ही आ सकते थे, लेकिन अभी मंदिर फिलहाल खोलने की इजाजत नहीं है भक्तों के लिए। और यह है वो प्रपत्र जिसकी वो चर्चा कर रहे थे, यह प्रपत्र इन लोगों ने भर लिया है और इसे जमा करने के बाद एक बार पुनः प्रशासन की टीम मंदिर की व्यवस्थाओं का अवलोकन करेगी और उसके बाद फिर कहीं दर्शन पूजन की इजाजत आम भक्तों के लिए यहाँ उपलब्ध होगी।